हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हरे कृष्णा। आज आप लोग को बहुत ही बढ़िया एक इजी टॉपिक लेकर आया हूँ। फैब्रिकेशन इंजीनियर को एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए, एक अच्छा एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या सवाल आपको आ सकते हैं, वैसे आप लोग को एक अच्छा नौकरी मिल सकता है, आप लोग को एक अच्छा जगह पे नौकरी में चांसेस मिल के अच्छा पैसा भी कमाने का मौका मिलता है। तो दोस्तों शुरू करता हूँ। आज बहुत ही बढ़िया एक टॉपिक लेके आए हूँ जिसमें एक एक चीज आप लोग को मिलेगा, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है मेरा पास आप लोग को शेयर करूंगा। आप लोग का जो करियर है, आपको करियर का ग्रो करने के लिए मैं हूँ हरे कृष्णा। चलो शुरू करता हूँ दोस्तों। पहले बोलते हैं आपको इंट्रोडक्शन, मतलब आप कोई जगह पे इंटरव्यू देके जाओगे, आपका इंट्रोडक्शन पे आपको बताएगा कि कौन सा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब आपका बारे में, आपका एजुकेशन बारे में, आपका करियर बारे में। आप फ्रेशर्स हो तो फ्रेशर्स का कौन सा कॉलेज में पास किया, कौन कौन सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हो, कौन सा सब्जेक्ट में आपका पास किया, कितना परसेंट था, कौन सा टेंथ कितना परसेंट था, 12th में कितना परसेंट था, साइंस ना आर्ट्स था, जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है आपको बोलना पड़ेगा। अब आईटीआई किया तो आईटीआई बोलना पड़ेगा, अब डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा बोलना पड़ेगा, बीटेक किया तो बीटेक बोलना पड़ेगा, अब बीई किया तो बीई बोलना पड़ेगा। जो आपको जो किया है कितना परसेंट मार्क आया है उसमें आपको उस टाइम पे बोलना पड़ेगा। उसके बाद आपको एजुकेशन एक्सपीरियंस है, उसके बाद आपको कोई जगह पे वर्किंग एक्सपीरियंस है, कोई ट्रेनिंग किया है तो जिससे आपको बोलना पड़ेगा। आपका फैमिली में कौन कौन है ये बारे में आपको बोलना पड़ेगा, आपका कौन जगह से आया है तो ये सब चीज बोलने पड़ेगा। इंट्रोडक्शन स्मॉल में एग्जांपल देता हूँ। मैं हूँ हरे कृष्णा, मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, मैं टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास किया है, वो उसके बाद मैं 9 साल का एक्सपीरियंस है बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री में, जिसमें हैवी फैब्रिकेशन में मैक्स टू मैक्स मेरा एक्सपीरियंस है, डिफेंस में ही मेरा एक्सपीरियंस है, मैं फैब्रिकेशन एक सुपरविजर हिसाब से काम करता हूँ। बैकग्राउंड है इस बारे में बताने के बाद आपका हॉबी बताने के बाद आपका इंट्रोडक्शन एक फुलफिल होगा, तो वैसे आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आपको इंटरव्यू को थिंकिंग मिलेगा, तो वैसे आपको बहुत कुछ ग्रो होगा। तो एक आपके इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। उसके बाद फैब्रिकेशन इंजीनियर को क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका फैब्रिकेशन में कौन सा जॉब होते हैं, जो आपका जो जॉब जॉब मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट आपको कंपनी में होता है, तो ये बारे में आपको बताना पड़ेगा। जो जो आपको कंपनी में प्रोडक्ट बनते हैं, आप जो फैब्रिकेशन में काम करते हो वो बारे में आपको स्मॉल बताने पड़ेगा। तो उसके बाद बताने का फैब्रिकेशन इंजीनियर पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है वो बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो आपको मेजरिंग टूल लगते हैं, मेजरिंग टेबल लगते हैं, वर्नियर कैलिपर लगते हैं, आपको स्केल लगता है, मार्कर लगते हैं, लाइन दूरी लगते हैं, एक आपका वाटर लेवल स्पीड लेवल लगते हैं, तो वैसे अच्छा एक टूल जिगिन फिक्सर लगते हैं, आपको जो जो चीज चाहिए होता है तो आपको हैमर लगता है, जो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलेगा आपको क्लियरेंस एंड टॉलरेंस क्या है, बा कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको वेल्डिंग बारे में, कौन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो कोई वेल्डर आप फैब्रिकेशन में काम कर रहे हो, मतलब आपको फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में आपको मटेरियल का ग्रेड के बारे में बताएगा, मतलब मटेरियल ग्रेड मतलब क्या है, आप जो प्रोडक्ट में काम कर रहे हो उसका मटेरियल का क्वालिटी, कौन सा क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं, मतलब एमएस का, मतलब एमएस में बहुत कुछ हम लोग सब एमएस मतलब E250 रहते हैं, मतलब E350 रहते हैं, V450 रहते हैं, तो उसमें आपको मटेरियल का अलग अलग ग्रेड रहते हैं, 669 रहते हैं, 700 रहते हैं, हार्ड ऑक्स रहते हैं, आर्मॉक्स मटेरियल रहते हैं, बॉयलर मटेरियल रहते हैं, तो बहुत कुछ टाइप का मटेरियल रहते हैं। वैसे आपको क्या होगा, आपको बहुत ही एक मटेरियल का नॉलेज बन में इंटरव्यूअर को पता चलेगा, वैसे आपको एक अच्छा मतलब बंदा को थिंकिंग में अच्छा लगेगा ना, बंदा कुछ ना कुछ जानता है बंदा। तो उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको जो मीग वोल्डिंग कर रहे हैं
उसका मटेरियल के ग्रेड हिसाब से मटेरियल कौन सा ग्रेड का मटेरियल यूज कर रहे हो, मतलब फिलर वायर यूज कर रहे हो, मैं वेल्डिंग कर रहे हो तो फिलर वायर रहते हैं, वेल्डिंग कर रहे हो हॉट भी बोलते हो उसको बोलते हैं फिलर वायर, तो फिलर वायर कौन सा यूज करते हो, तो आपको जो फिलर वायर का ग्रेड है मतलब E7018 बोलते हो बा ER7016 बा 18 जो भी है आपका बा आपका मेटल का फिलर वायर का ग्रेड मतलब रेगुलर जो यूज करते हैं ER7018 बा ER7070 मीन्स, तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल पे ऐसे वीडियो बहुत कुछ अपलोड कर रखा है, आप जरूर देखने का पूरा आपका फिलर मेटल का ग्रेड में ER7018 का मीनिंग्स क्या है आपको पता चल जाएगा तुरंत। तो ये सब बारे में आपको पूछेगा, उसके बोलेगा मीग वेल्डिंग क्या है, तो मीग वेल्डिंग मतलब आपको मीग वेल्डिंग मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, तो मेटल इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं, मीग वेल्डिंग वन टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक माध्यम पे इलेक्ट्रिसिटी का माध्यम पे एक हम लोग डीसी करंट से हम लोग एक फिलर मटेरियल को हाई वोल्टेज में हाई डीसी वोल्टेज में प्रयोग करके मटेरियल को फिलर मटेरियल गला के बेस मटेरियल गलते हैं और ऐसे आपको एडिशनल गैस यूज करके सीलिंग करके मटेरियल को गला के आपको फुल वेल्डिंग करते हैं, उसको बोलते हैं मीग वेल्डिंग। तो इस बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, बोलेगा मीग वेल्डिंग के कौन सा गैस लगता है, तो आपको मीग वेल्डिंग के मैक्स टू मैक्स CO2 गैस यूज होता है, कोई कोई जगह पे आर्गन गैस यूज होता है, कोई कोई जगह पे उसके बोलते हैं मिक्सर आर्गन प्लस CO2 मिक्सर रहते हैं, 80% आपको रहेगा 80% क्या रहेगा आर्गन गैस रहेगा और 20% आपको CO2 गैस रहेगा, इसको बोलते हैं कोई कोई जगह पे मैग वेल्डिंग यूज करते हैं। मीग और मैग का डिफरेंस क्या है आपको नहीं पता है, मेरा YouTube चैनल पे ऐसे टाइप का वीडियो अपलोड कर रखा है तो वो भी देखने का। तो मीग एंड मैग बोलते हैं, ए बोलते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मैग बोलते हैं मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस क्या बोलते हैं, जो आर्गन जेनॉन केफ्टॉन रेडॉन ये सब है आपको नियॉन गैस, तो इसलिए आपको बोलते हैं एक्टिव गैस नहीं एक्टिव ए वाला बोलते बोलते इनर्ट गैस। और एक्टिव गैस कौन से है, CO2 ऑक्सीजन सब एक्टिव गैस, हम लोग CO2 यूज कर रहे हैं इसलिए बोलते हैं एक्टिव गैस। तो ये सब बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो बोलेगा वेल्डिंग का डिफेक्ट क्या है आपको पता है, मतलब वेल्डिंग के बारे में आप फैब्रिकेशन में 3-4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल जो भी काम कर रहे हो आपको बताना पड़ेगा वेल्डिंग का डिफेक्ट क्या क्या होता है, तो विजुअल टेस्ट क्या होता है ये सब बारे में आपको बताएगा, तो ये बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो उस टाइम क्या बोलोगे, तो विजुअल इंस्पेक्शन पे बा विजुअल आपको वेल्डिंग का डिफेक्ट बारे में क्या बताओगे, तो उस टाइम बताओगे एक है आपको अंडरकट बोल सकते हो, पिन होल बोल सकते हो, पोरोसिटी बोल सकते हो, उसमें इनकम्प्लीट फ्यूजन बोल सकते हो, तो उसके बाद ब्रांच थ्रू बोल सकते हो, उसके बाद इनकम्प्लीट फ्यूजन बोल सकते हो, इनकम्प्लीट पेंडेशन बोल सकते हो, तो बहुत टाइप का डिफेंड है, तो एक एक करके मैं समझाऊंगा तो पूरा दिन ही निकल जाएगा, पॉसिबल नहीं है, ये सब बारे में पूछ सकते हैं। और क्या बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है, तो कोई जगह पे स्पेडर है, कोई जगह पिन होल है, अंडरकट है, तो उसमें कोई आर्मेन बोल्डिंग है तो उसको कैसे सही करना है, उसको कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, उसको एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया क्या है, ये सब बारे में आपको पूछ सकते हैं, तो ये सब बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए। उसके बाद कोई कोई कंपनी में बोलेगा आपको कौन सा स्टैंडर्ड पे आपको काम होता है, मतलब ISO 38342 हिसाब से काम होता है, मैं कौन सा 9001 हिसाब से काम होता है, कौन सा हिसाब से आपको BT स्टैंडर्ड में काम होता है, ISO स्टैंडर्ड में काम होता है, EW स्टैंडर्ड में काम होता है, कौन सा स्टैंडर्ड पे आपका फैब्रिकेशन होता है, तो ये बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए। इस बारे में सब तो क्वेश्चन पूछोगे, कोई कोई जगह पे बोलेगा आपको पोरोसिटी क्यों आता है, तो ये बारे में बताओ, मेन कारण है पोरोसिटी गैस को इंट्रैप्ड होने के लिए, मतलब जब होल्डिंग ड्यूरिंग पे होल्डिंग कर रहे हैं होल्डिंग का चलने के टाइम पे पोरोसिटी क्यों आता है, सील्डिंग प्रॉपर नहीं होता है, सील्डिंग क्यों होता है, सील्डिंग कौन करता है, गैस करता है, गैस नहीं आएगा तो आपको जब कोई कोई जगह पे आप देखोगे गैस
ट्रैप होता है, मतलब गैस को रुक जाते हैं कभी कभी, उस टाइम पे आपको होल्डिंग कर रहे हो तो वैसे आपको प्रोसीडियर होगा। तो कोई कोई जगह पे आपको ऑयल है, ग्रीस है, वो जगह पे प्रोसीडियर होगा। कोई जगह पे रास्टी पड़ गया, वो जगह पे सील्डिंग नहीं हो पा रहा है, वैसे आपको प्रोसीडियर आएगा, पिन होल आएगा, ब्लो होल आएगा, ये सब बारे में बताएगा, बोलेगा पिन होल और ब्लो होल का डिफरेंस क्या है, वो बारे में आपको जानकारी लेना चाहिए। तो पिन होल और ब्लो होल का डिफरेंस क्या है, जब आपको होल्डिंग करने टाइम पे देखोगे कोई जगह पे बेस मेटल पे इधर से उधर, मतलब होल थ्रू आउट हो गया, मतलब इधर से उधर आपको दिखाई दे रहे है बट आपको लाइट पास कर रहे है, तो उस टाइम में बोलेगा आपको ब्लो होल, जिसमें आपको लाइट पास नहीं हो रहा है, वन टाइप ऑफ छिद्र बा होल हुआ है स्मॉल, तो उसको बोल पार्सली होल हुआ है, उसको बोलते आप तो पिन होल। तो ये सब चीज आपको जानकारी लेना चाहिए। तो ये सब बारे में पूछेगा, और क्या पूछेगा, आपको कौन सा पिक्वेशन कह लेते हो, फैब्रिकेशन में आप काम कर रहे हो, सेफ्टी के बारे में आपको पूछेगा, आपको वर्कर को क्या क्या सेफ्टी बारे में आपको अवेयरनेस देते हो, तो ये बारे में आपको जानकारी है क्या, वो बारे में पूछता है। तो आपको क्या बोलोगे, तो हैंड ग्लोव, ईयर प्लग, गो मास्क, हेलमेट, सेफ्टी शू, लेग गार्ड, उसमें हैंड स्लीव, एफ्रॉन, जो जो आपको देते हो कोई जगह पे, जो जो आपको इक्विपमेंट लेते हो, तो ये बारे में आपको बताना पड़ेगा। चला मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो होल्डिंग करने के टाइम पे कौन सा स्प्रे मूड, होल्डिंग का बहुत का मूड रहते हैं, जब आप एक शॉप का, लिंकन का, फर्नियस का जो मेडिसिन यूज करोगे, तो आप एक हायर मशीन 400 रुपये के ऊपर बहुत अच्छा क्वालिटी मशीन यूज करोगे, उसमें मूड रहते हैं, पार्ट्स मूड रहते हैं, स्प्रे मूड रहते हैं, ग्लोबुलर रहते हैं, ग्लोबुलर एंड पार्ट्स मिक्स रहते हैं, तो वो सब शॉर्ट सर्किट रहते हैं। तो ये सब बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो वो बारे में पूछेगा ना, तो आप कन्फ्यूजन हो जाओगे, आपको मालूम नहीं चलेगा क्या है, ग्लोबुलर क्या है, स्प्रे क्या है, पार्ट्स क्या है, तो शॉर्ट सर्किट क्या है, ये सब बारे में आपको ये और एक दिन जानकारी दिलाऊंगा दोस्तों। तो खत्म करता हूँ आज, नया मेंबर जो है ज्वाइन किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे को और इनकरेज कीजिए, मैं अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग को जानकारी दिलाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।